गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो हर गार्डनर और ये बोनसाई की जो बोनसाई बनाने वाले हैं या बोनसाई के जो अपने घर में रखने वाले हैं, बोनसाई बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम रहती है वो सोइल की रहती है। और आज उस सोइल को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिंपलेस्ट वे में कैसे बोनसाई सोइल अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो बोनसाई सोइल बताऊँगा जो ज़्यादातर प्लांट में मैं यूज करता हूँ, और उसको आप हर मतलब बोनसाई की ज़्यादातर वैरायटी में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका फाइकस की सारी वैरायटी, जितने भी आपको बनियान ट्री है, फाइकस रोसुजा है, फाइकस का ये बेंजामिन है, फाइकस का जो दूसरा गुलर है, या फिर फाइकस की जो भी वैरायटी है, सब में आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक फाइकस है, स्टार फाइकस है, सब में यूज एज ए बोनसाई आप यूज कर सकते हैं, और मैं वो रेगुलरली यूज करता हूँ। और अच्छे मेरे सारे प्लांट अच्छे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। जेड के प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं, बोगनविला में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सभी प्लांटों में, और ये जैसे जंगल जलेबी है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है वो मैं आज आपको वो सोइल, सिंपलेस्ट सोइल बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ी आइडियल जो सोइल रहती है बोनसाई के लिए वो बताने वाला हूँ। तो जो आइडियल वाली है वो ज़्यादा ही शेलो, जब जैसे प्लांट पोट रहता है, ये वाला जैसे पोट है वो वाला है, बहुत ही छोटे पोट के लिए आप वो वाली सोइल यूज़ करिए, या जो मैं पहले स्टेप में बताऊंगा वो जो सोइल है वो आप थोड़ा सा हल्का बड़ा पोट है आपका, इवन आपका शेलो पोट है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो परफेक्टली काम करेगी। तो पहले चलो दोस्तों अपन वो शुरू करते हैं, कौन से वाली जो सिंपलेस्ट वे में है, जिसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला सोइल बनाना मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल तरीका रहेगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं उसके बारे में। तो मैंने एक ट्रे ली है, और सबसे पहले उसके अंदर कुछ भी मत करिए आप, एक 50% अपन जो लेंगे वो कंपोस्ट ले लीजिए, ज़्यादातर ठीक रहेगा, नहीं तो आपके पास काउडंग है तो काउडंग लीजिए। मैंने ये कंपोस्ट और काउडंग की थोड़ा मिक्सर है वो लिया है, 50% अपन ये डालेंगे, और इसमें 50% एक चीज़ और डालेंगे। तो सबसे पहले अपन ये डाल देते हैं, इसका ध्यान रखिए इसमें कोई भी जैसे पीस ऐसे बड़े रहते हैं उनको तोड़ लीजिए, अच्छे से छोटा कर लीजिए उनको पाउडर फॉर्म में। कई बार कंपोस्ट में भी बड़े आते हैं और काउडंग में तो आते ही हैं ये बड़े जैसे, उनको थोड़ा क्रश कर दीजिए जिससे ये, तो इसको क्रश करने से होगा क्या कि आपकी ये पूरे उसके अंदर जो सोइल के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और यदि स्टोन रहेंगे तो वो किसी किसी पोर्शन में ज़्यादा हो जाएगी इसके फर्टिलाइज़र की मात्रा, और किसी में कम हो जाएगी। जो मैन्योर है इसको आप काउडंग लीजिए, या पत्ते की जो डिकम्पोज खाद है वो ले लीजिए, या फिर उसमें ले लीजिए, पर इसको रखिए आप बारीक, मतलब इसमें बड़े स्टोन नहीं होने चाहिए। तो ये 50% अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर डाल लेते हैं। अब मैंने इसमें काउडंग और वो दोनों मिक्सर ली है, क्योंकि मेरे पास वो कंपोस्ट कम थी, इसमें से कोई भी पत्थर या वो है वो निकाल दीजिए, और इसको थोड़ा सा हल्का क्रश कर लीजिए इसे। तो ये अपनी 50% हो गई। यदि 50 से आपके पास ज़्यादा नहीं है तो 50 से कम भी कर सकते हैं, 50 से 40 के बीच में इसको डाल दीजिए। तो ये अपनी 50% ये होगी, मैं 50% ले रहा हूँ इस केस में, और मैं इसी से आज दूसरा पोट भी लगाने वाला हूँ। और तो ये अपनी 50% हो गई। तो मैंने 50% काउडंग लेने के बाद में 50% ये सेम क्वांटिटी में रिवर्स एंड ले लेंगे। तो ये 50 से 60% ले सकते हैं, ये 50 से 40% ले सकते हैं, और ये क्या है, ये रिवर्स एंड है, रिवर्स एंड या बजरी जिसको बोलते हैं, या कई जगह इसको मिट्टी, वो ये नॉर्मली अपने रिवर से या नदियों की तलहे से निकलती है, समुद्र के किनारे भी रहती है, तो ये वाली सैंड लेनी, क्योंकि इसकी जो ड्रेनेज कैपेसिटी है बहुत अच्छी रहती है नॉर्मल सोइल के मुकाबले में, क्योंकि इसमें जो दाने हैं वो बड़े हैं। तो अपन बोनसाई के अंदर मेनली यही रहता है कि उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, जैसे इसमें जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है वो निकाल दीजिए। तो ये अपने 50% ले लिए। अब इसको इससे होता क्या है कि ये लगभग सारी की सारी जो है क्वांटिटी है, इसमें छोटे पार्टिकल्स नहीं है, बड़े पार्टिकल हैं, और इससे होता क्या है कि ये ड्रेनेज अच्छा रहता है। बोनसाई में यही एक रिक्वायरमेंट है कि ड्रेनेज अच्छा हो, और फर्टिलाइज़र के रूप में अपने कंपोस्ट ले लिया, पर इसको थोड़ा क्रश कर लें आप, बड़े पीस ना रखें। तो ये सिंपलेस्ट वे है, बस ये दोनों को आप मिला के यूज करिए, लगभग आपके सभी बोनसाई प्लांट में ये आप काम कर जाता है, ये लगभग सभी प्लांट में काम कर जाता है, जिस जो और मैं लगभग सभी मेरे जैसे बोगनविला है, ये जेड प्लांट है, इसमें मैंने ये यूज़ किया है, ये जंगल जलेबी में मैंने यूज़ किया है, इसमें फाइकस, सारे सभी फाइकस में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आपके पास
तो ये दोस्तों अपनी सबसे सिंपलेस्ट वे है कि बस इन दोनों को मिक्स कर लीजिए और यूज़ करिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब आप प्लांट लगाने वाले हों तब यूज़ ना करें, इनको पहले ही मिक्स करके रखें। और इसमें चाहें तो थोड़ी सी नीम खली या ऐसे डाल सकते हैं, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले में जो आइडियल बनाते हैं उसके लिए बता दूंगा, बट ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। मिला के रखिए जब, और मतलब जब प्लांट लगाना हो तब मत मिक्स कीजिए, क्योंकि आपस में मिक्स करने से इनको जो डिकम्पोजिशन आपस में जो रिएक्शन होनी है वो हो जाती है, और उससे बाद में प्लांट को कुछ नुकसान नहीं रहता। तो मिला के रखिए। तो ये सिंपलेस्ट वे है जो आप यूज कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा ड्रेनेज रहेगा, आपका बोनसाई चलता रहेगा। ज़्यादातर परसेंट मैं कह रहा हूँ 60-70% बोनसाई में ये काम कर जाएगी। बहुत ही छोटा पोट रहता है तब बात अलग है, ज़्यादातर आपके पोट में काम करेगी और ज़्यादातर लोग यूज करते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ वो वाली बोनसाई सोयल जिसको थोड़ा सा आइडियली आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें छोटा पोट होने से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपन एक चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं। तो ये दोस्तों ये तीसरी चीज़ है जो अपन यूज करते हैं, और ये मैंने बता दिया, ये दोनों काफ़ी हैं आपके सभी, लगभग सभी बोनसाई के लिए काफ़ी रहेंगी। इसमें अच्छा ड्रेनेज मिलेगा, अच्छा फर्टिलाइज़र मिलेगा और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और बट जब आइडियली की बात करते हैं तो ये अपन स्टोन्स लेते हैं, इसके 3-5 mm तक के स्टोन्स लेते हैं। ये स्टोन्स भी ले सकते हैं आप, कर्स जो रोड़ी होती है या जो अपने कंक्रीट जाती है वो ले सकते हैं, या फिर जो इसी में बजरी में रिवर सैंड में जो निकलता है, जो स्टोन्स निकलते हैं राउंड कलर के, देखिए आप इस साइज़ के, वो ले लें तो ज़्यादा ठीक है। मेरे वाले में इसमें थोड़े से बड़े भी हैं, तो आप बड़े जो भी रहते हैं उनको निकाल दीजिएगा इसमें से। ये रिवर सैंड वाले नहीं हैं, ये यहाँ के जो पत्थर हैं छोटे वो लिए मैंने, या आप कंक्रीट बोल सकते हैं उसको, ये लिए हैं। तो अब जब इसको ये मिक्स कर देंगे तो 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये 30 मतलब 33% के आसपास आप मोटा मोटी इनको ले लीजिए। पर आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये 50-50 मिलाने से भी आपके सारे बोनसाई में काम चल जाएगा लगभग। ये मिलाने से आपका क्या होता है, ये ड्रेनेज को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए रहता है। जैसे अपने थोड़े बड़े स्टोन रहते हैं उनको निकाल दीजिएगा, मेरे पास छोटे नहीं मिले एक्चुअली, तो ये मेरी आइडियल उसके करने के लिए है। तो ये अपनी सॉइल मिक्स तैयार हो गई है। इसमें मैं जब छोटे पोट रहते हैं तो उसमें ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रेनेज और भी अच्छा हो जाता है, ये मिलाने से ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, रूट्स इनके बीच में अच्छे से ग्रोथ करती है और वाटर का जो स्टेग्नेशन है वो नहीं होता है। तो ये जो अपनी सॉइल है ये लगभग तैयार है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो चीज़ है ये आप पहचान नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसका दूसरे फॉर्म भी आते हैं। नीम जो खली आती है, नीम का ग्रेनुअल्स है, तो इसको एक मुट्ठी आप इतने मिक्सर में आप लगभग बना लें, डाल दें। ये कम डालेंगे तो भी ठीक है, ये मेनली होती है आपकी जो उसके अंदर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं मेनली, और कुछ जो जैसे चींटियाँ लग जाती हैं वो इससे नहीं लगेंगी, और इसकी एक खाद का भी काम करती है, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छी रहती है और आपको ही है। तो ये एक्स्ट्रा है, यदि आप चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो मैंने बता दिया 1/3 ये रहेगा 1/3 ये रहेगा, रिवर्स सैंड इसको बोलते हैं, और 1/3 ये। ऐसे आइडियली बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, बट दोस्तों इतना सारा अपने लिए जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए करना मुश्किल है, तो ये सबसे बढ़िया कम्बिनेशन है। इन दोनों को मिलाइए, काफ़ी रहेगा। उसमें चाहें तो 1/3 ये मिला दें बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़ा ये मिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो ये अपनी मिक्सर अब लगभग तैयार है, तो आप अपने इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बारे में पहले बोल चुका हूँ कि इसको पहले से बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें इसमें, जैसे कहीं कहीं पे रिवर सैंड अलग है या बजरी है, या कहीं पे ये पत्थर ही है जैसे साइड में, तो उनको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में ये जो सोयल बनती है ये परफेक्टली बनती है। और वैसे मैं फिर से आपको एडवाइस करूँगा, यदि आप इतना दिमाग नहीं लगा पाते तो बजरी जो रिवर सैंड है 50% और जो ये है वो 50% मिला लें, आपका प्लांट कहीं भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये अपनी मिक्सर लगभग तैयार है।
दोस्तों ये मेरा बेटा कुछ बताना चाह रहा है, बताइए। अब देखो, अब जो ये, अब हम इसको लिटा रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं जिससे ये बहुत अच्छा बन जाए। और हम थोड़ी सी छोटी छोटी मिर्ची डालेंगे, है ना। तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अब हम बता रहे हैं आपको जी। हाँ करिए, पर हम आपको एक अच्छा वीडियो दिखाएंगे आज, और वो हम आपको बताए के ही रहेंगे। चलो दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए, और लाइक्स और शेयर कीजिए। और चलो बाय। क्या बेटा?